हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय बिजनेस। मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिसेफ मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? मैं आप सबको पहले पार्ट में गाइड किया कि क्विक जॉब कैसे पाएं, आप लोगों ने उसको देखा, सपोर्ट किया, शेयर किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब ये पार्ट टू है करियर गाइडेंस का। पार्ट टू में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि भाई, क्योंकि पार्ट वन जो था उसमें आप अगर स्टार्ट करोगे अपने जॉब को तो 10,000 से 15,000 रुपए से आराम से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी और 50,000 तक अपने जॉब को ले जा सकते हो। कहां तक ले जा सकते हो भाई? 50,000 रुपए तक की अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको उस श्रेणी में रहना है, डेफिनेटली उसको अपग्रेड करिए और वहां पे आप पहुंचेंगे, थोड़ा बहुत और नई नई चीजें सीख के 50,000 तक की जॉब पा चुके रहेंगे। अब ये जो पार्ट है, ये 50,000 रुपए से 5,00,000 तक की अर्निंग कैसे करें, पार्ट टाइम से स्टार्ट कर सकते हो, फुल टाइम तक लेके जा सकते हो, 50,000 से 5,00,000 रुपए तक की अर्निंग, भाई थोड़ा बड़ा अमाउंट है तो मेहनत भी थोड़ी सी बड़ी लेवल की होगी। सोचो पार्ट थ्री क्या है। पार्ट थ्री में जो आएगा, जो कि नेक्स्ट एपिसोड रहेगा, पार्ट थ्री में हम लोग ये बताएंगे कि 5,00,000 के ऊपर 50,00,000 तक की अर्निंग या उससे भी ज्यादा कैसे अर्न कर सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हो, समझते हैं क्या क्या ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं जिससे 50,000 से 5,00,000 के बीच में करियर को अपने लेके जा सकते हैं। गाइस, मैंने आपको पहले बोला कि एक बड़ा ग्राफ है, बड़े ग्राफ के लिए आपको ज्यादा चीजों को सीखने की आवश्यकता होगी। पहले ग्राफ में मैंने आपको बोल दिया ऑटोकैड, रेबिट और स्टैट प्रो, वो तो सीखना ही सीखना है। यहाँ पर ये जो 50,000 से 5,00,000 का ग्राफ है ना, यहाँ पर ये मर्जी आपकी नहीं चलेगी कि मैं स्टैट सीखूं या रेबिट सीखूं, आपको बेशक दोनों सीखने पड़ेंगे। इतना ही नहीं गाइस, इसके बाद आपको ईटैप सीखना पड़ेगा और ईटैप के साथ सेफ सीखना पड़ेगा और अच्छी अर्निंग के लिए आपको टेकला सीखना पड़ेगा, साथ ही साथ एक्सेल का नॉलेज कंपलसरी है, ठीक है। फिलहाल इस पूरे सेट को, जो ये 50,000 से 5,00,000 के बीच का अर्निंग का पूरा सेट है, इसके लिए मैंने यूनिक सिविल ऐप पर आप सबको ऑल इन वन दिया हुआ है। लगभग जितने लोग वॉच कर रहे हैं सबने ऑल इन वन ले रखा होगा, कुछ लोगों ने जो नहीं लिया होगा इन फ्यूचर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ समराइज करके मैंने दे रखा है। लगभग 90% कोर्स कवर है 5,00,000 से 50,000 तक की अर्निंग के लिए 50,000 से कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये गाइस, ये थोड़ा सा अलग तरह का रहेगा, इसको बोलेंगे सोलोप्रेन्योर, ठीक है। अभी आप एंटरप्रेन्योर वाले लाइन में नहीं आए, सोलोप्रेन्योर टाइप का रहेगा, बट इसमें भी आपको कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। अब जब आपको इतनी सारी चीजें आती हैं, ठीक है, सपोज आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, करो, उसके साथ क्या कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे एक पेज बना सकते हो, फेसबुक पे एक पेज बना सकते हो। आप बोलोगे यस सर, बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा ग्राफ है, ये थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाला है, इसको सीखने में आपको लगभग 6 महीने लगेंगे, 6 महीने की एक्सपर्टीज लगेगी। आप रेबिट अच्छे से सीखिए, थ्रीडस मैक्स अच्छे से सीखिए और ईटैब और सेफ को अच्छे से सीखिए, पूरा समराइज कर लीजिए। कर लिया, अब आप कुछ फिक्स सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि आप 2D प्लानिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, स्ट्रक्चर की सर्विसेज दे सकते हैं, उसके साथ ही साथ मॉडलिंग की सर्विसेज दे सकते हैं क्या, और उसके साथ साथ इंटीरियर का दे सकते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत लगेगी, एस्टीमेशन भी कर लेना। तो ये पूरा ग्राफ है कि आप ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं। इन सारी सर्विसेज को देने के लिए मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का सहारा लीजिए। बड़ा ही आसान तरीका है, आप अपने जॉब को अभी कंटिन्यू रखिए, जब तक आप 50 के आसपास यहाँ से न अर्न करने लगे तब तक आप जॉब को कंटिन्यू रखिए, और इसके साथ ही साथ यहाँ से आप क्या करिए, अपने जो भी काम आप सीख रहे हो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डालते जाइए, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डालते जाइए। कंपनी को मत शो करिए कि मैं ये सब काम भी कर रहा हूँ, नहीं तो कंपनी आपको नमस्ते लंदन बोल देगी। इसलिए ऐसा नाम रखिए कि आपको कंपनी को कुछ आइडिया ही नहीं कि आप ये कौन सा पेज है, किसका पेज है। आप धीरे धीरे अपने पेज को डेवलप करिए। मैंने भी अपने यूनिक सिविल ऐप को धीरे धीरे अभी देखिए, आप सबको मैं रेगुलर उस पे एक्टिव हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आने वाली जनरेशन जो है उसमें मैक्सिमम लीड जो मिलेगी काम की, कंस्ट्रक्शन की, वो इंस्टाग्राम से मिलेगी, ठीक है। अभी जो मिल रही है वो फेसबुक से मिल रही है, नो डाउट। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को धीरे धीरे आप अपग्रेड करते रहिए और वहाँ पर डालते रहिए कि इतना चार्जेस के लिए, इतना चार्जेस के लिए, नॉमिनल कॉस्ट रखिए और अपना जो बेस्ट से बेस्ट मॉडलिंग प्रैक्टिस करिए उसको उसके अंदर डालते रहिए, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपको लीड जनरेट होने लगेगा। लीड जनरेट में आप क्या करने लगो, आपको काम मिलने लगा कि भाई एक मुझे प्लानिंग करके दे दो, एक मुझे ये दे दो। अब ये जरूरी नहीं कि आप पहले दिन से ही इतना अर्निंग करने लगेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपका प्रचार होगा।
अब इतने पर रुकिए मत, क्योंकि इतने पर अगर आप रुक जाएंगे तो आप 50 तक तो पहुंच जाएंगे बट 50 के ऊपर स्केल नहीं कर पाएंगे। तो स्केल करने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स को जोड़िए अपने साथ, जो कि कोई इंटीरियर में बेस्ट है तो उसको अपने साथ जोड़ लो, बोल लो भाई सीधे 50 तुम 50 मैं, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर में बेस्ट है उसको जोड़ लो, कोई आर्किटेक्चर में बेस्ट है तो उसको जोड़ लो, आप लाइनअप कर लो। कोई ऑफिस मत खोलो अभी, क्योंकि अभी आप 50 के जस्ट ऊपर थोड़ा सा बढ़ रहे हो, ठीक है। अब उनसे लाइनअप करके काम लो और साथ ही साथ उनको काम को शेयर करो। 50% उनको बेनिफिट, 50% उनको बेनिफिट, वो अपने घर से कर रहे हैं तो अपने घर सिर्फ और सिर्फ उनको गाइड कर रहे हो। आपकी अर्निंग देखेंगे आप 1,00,000 के आसपास आ जाएगी। अब आपको जरूरत होगी एक ऐसे बंदे की जो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज के माध्यम से तो बिजनेस लाए ही, उसके साथ ही साथ बाहर से और बड़े बड़े काम ले आ सके। तो एक आप कोई भी मार्केटिंग का बंदा हायर कर लीजिए, जो बंदा आपके लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट लेके आए और आप उसको कमीशन दे सकें। अब देखेंगे आपका काम बढ़ने लगेगा, कर्न बढ़ने लगेगा। अभी आप एंटरप्रेन्योर खुद को मत समझिए, क्योंकि अभी आप कुछ भी ऑफिस सेटअप नहीं किए हैं, अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे, तो आप एक सोलोप्रेन्योर हैं। और डेफिनेटली बिलीव करिए कि जैसे ही आप पेस थोड़ा सा बड़ा हुआ, लीड आपको मिलने लगी, आप इतनी अर्निंग करने लगोगे कि देखो यार सीधी सीधी बात है, एक प्रोजेक्ट अगर आप 10,000 रुपये में भी करते हो, महीने में 5 प्रोजेक्ट भी मिल गए तो आप 50,000 का आंकड़ा पार कर लिए ना। जैसे ही 50 के आसपास खेलने लगते हो, जॉब को दो रिजाइन और पूरा डेडिकेशन के साथ लोगों को जोड़ो और उनके साथ उनको भी काम दो, साथ ही साथ उनसे उनको जो नहीं आता वो काम लेके अपने दूसरे फ्रेंड को दे दो। मान लो मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है, मेरे पास स्ट्रक्चर का काम आया, मैंने आपको दिया, आपके पास इंटीरियर का आया तो आप मुझे दे दो, 50-50 क्या हो रहा है, हम लोग को दोनों को बिजनेस मिल रहा है, साथ ही साथ हम दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं 110% प्रैक्टिकली मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं खुद ही वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं काम को और आगे इस चीज को ग्रो कर पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं 110%, आप 50,000 से 5,00,000 तक के ग्राफ को आप पार कर जाएंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये 5,00,000 के ऊपर का भी कुछ ग्राफ होता है क्या? यस, अब नेक्स्ट पार्ट है जिस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 5,00,000 के ऊपर का प्लान, मतलब 5,00,000 से लेकर 50,00,000 तक की अर्निंग कैसे कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, होप आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, कुछ हद तक आपको आइडिया लगा होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पाथ पे चलो, मैं ये कहता हूँ कि अपना पाथ बनाओ, बट कुछ जो भी आपके सीनियर्स हैं लाइक मी एंड अदर्स जो भी होंगे उनके कुछ एक्सपीरियंस को देखो और उनसे पूछो कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, या फिर उन्होंने खुद शेयर किया है तो उनके चीज़ों को सीख के अपने बिजनेस में डालो। और ये बिजनेस ऐसा है कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इसकी मोनोपोली है, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट उन्हीं को मिल रहे हैं। ऐसा कुछ भेद करो कि प्रोजेक्ट बटने लगे, प्रोजेक्ट कटने लगे और आप तक भी बिजनेस आने लगे। और 110% आपके पास बिजनेस आएगा अगर आप 100% या सुबह से लेकर शाम तक अगर लैपटॉप के सामने हो, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक पर एक पोस्ट डाल रहे हो, अच्छी अच्छी लीड जनरेट कर रहे हो। इतना मुझे भी मार्केटिंग नहीं आता, मेरे साथ तो लोग हैं जो करते हैं, बट फिर भी अगर आप डाल रहे हो तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपका अपग्रेड होगा और आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी 110%। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा बड़े प्लान के बारे में, जो कि लास्ट करियर गाइडेंस का ये सीरीज का तीसरा पार्ट रहेगा। चलिए।